हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप वजीर एक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हो और कैसे वजीर एक्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग और केवाईसी वगैरह करके गुड टू गो हो सकते हो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वजीर एक्स के थ्रू कैसे आप रेडी हो सकते हो, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए टू जेड। देखो, मैं तो वैसे वजीर एक्स को यूज़ करता नहीं हूँ, मैं कॉइन डी सिक्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन कॉइन डी सिक्स में कई लोगों को डिपॉजिट्स में एरर आ रहे हैं, उनके हो नहीं रहे, डिपॉजिट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग ही पेंडिंग लिख आ रहा है। तो ऐसे में आप ऐप स्विच कर सकते हो, कोई ऐसा रिश्ता नहीं बन गया है कि जरूरी आपको कॉइन डीसेक्स पे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप ऐप स्विच करके वजीर एक्स पे आ सकते हो। तो आओ आज की इस वीडियो में देखते हैं कैसे वजीर एक्स में अकाउंट वगैरह बन के केवाईसी वगैरह कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से वजीर एक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता ही है कि वो एक रेफरल लिंक है, उस लिंक से अगर आप वजीर एक्स को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उसमें मेरा थोड़ा कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करते के साथ ही आप ब्राउजर वगैरह में ओपन हो जाएंगे, ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा, वजीर एक्स ऐप। आप इस पर जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे लोडिंग वगैरह होगी, प्ले स्टोर खुल जाएगा। अगर आपने पहले से ही वजीर एक्स डाउनलोड कर रखी है तो आपकी सीधा ऐप खुलेगी और उसके अंदर एक कोड, रेफरल कोड डल जाएगा। और अगर वो रेफरल कोड नहीं डलता तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे रेफरल कोड दिख रहा होगा, आप वो रेफरल कोड वहाँ पे अगर डाल देंगे तो उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो आप लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप वजीर एक्स ऐप पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना, सिंपली ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और कुछ बड़ा काम नहीं है। ऐप इंस्टॉल हो जाए फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका वजीर एक्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ये स्किप करके, ये स्किप भी कर देते हैं, मतलब ये स्किप करके एक थोड़ा सा टूर ले सकते हैं, मतलब फील ले सकते हैं कि वजीर एक्स किस तरह का कैसा ऐप है और किस तरह से ये चलता है, किस तरह क्या करता है। तो यहाँ पर आपको ये रेफरल कोड बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर प्लीज़ एक बार, अगर आप चाहें तो आपके पास थोड़ा टाइम हो तो ये वाला रेफरल कोड आपको जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला रेफरल कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मेरी रेफरल से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो आप ये वाला रेफरल यहाँ पे अगर हो सके तो आप ज़रूर डाल देना। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है जो भी आपकी ट्रस्टेड है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है, स्ट्रॉन्ग सा अपना एक पासवर्ड ठीक ठाक सा डाल देना है जो आपको याद रहे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये रेफरल कोड खाली सा है तो यहाँ पे आपको ये रेफरल कोड डाल देना है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जरूर डाल देना, ये रेफरल कोड डाल देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ एक बार पासवर्ड अपना बना लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड और ये रेफरल कोड ये वाला डाल के जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक 6 डिजिट का कोड सेंड करा गया होगा जो आपने ईमेल आईडी डाल रखी है उस ईमेल आईडी पे, तो आपको अपना यहाँ पे सिंपली क्लिक करके चेक माई इनबॉक्स पे क्लिक करके और आपको अपना जो 6 डिजिट का जो कोड मिला होगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, ये जरूरी है, ये ईमेल वेरिफिकेशन जरूरी है, तो वो आपको 6 कोड आपको यहाँ पे आके इसको सिंपली पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है उसको वजीर एक्स में, यहाँ पर आके आपको उसको पेस्ट कर देना है और फिर उसके बाद आपकी ये जो ईमेल आईडी होगी वो वेरीफाइड हो जाएगी प्रॉपरली। सिक्योरिटी के लिए ये आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप मोबाइल एसएमएस के लिए कर सकते हैं ताकि जब भी आप इसमें लॉगिन करना चाहें, वजीर एक्स में कोई और भी लॉगिन करना चाहे तो आपके पास एक बार एसएमएस आए, एक ओटीपी आए, उसके बाद वो लॉगिन हो पाए। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है और सेंड ओटीपी के पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ एक बार, तो वहाँ पर फ़ोन नंबर डालने के बाद ये ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आप सेट हो जाएंगे, बिल्कुल ओके पे क्लिक कर देना है। अभी आपको केवाईसी भी इसमें करानी पड़ती है, केवाईसी भी बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो कि आपको कराना ही पड़ता है किसी भी, मतलब आरबीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आप स्किप केवाईसी कर देंगे, स्किप केवाईसी फ्रॉम नाउ, तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्रिप्टो INR नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, P2P विड्रॉल कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीट केवाईसी करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कंप्लीट केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपनी 2-3 चीज़ें अपने हाथ में रखनी है, जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड अपने हाथ में रखना है, अपना आधार कार्ड अपने हाथ में रखना है और आपको अपने पास रहना, मतलब आपको अपनी भी एक सेल्फी इसमें अपलोड करनी पड़ेगी जो कि आपकी ही होनी चाहिए।
आपकी ही चेहरा, आपका ही आधार कार्ड, आपका ही पैन कार्ड। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप 18 साल से नीचे नीचे हैं तो आप यहाँ नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसीज में, मतलब वजीर एक्स के थ्रू क्या किसी भी ऐप के थ्रू। हर ऐप में यही सेम प्रोसेस होता है KYC कराने का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी सेल्फी, ये तीन चीज़ें लगती हैं जिससे कि ऑथराइज हो जाता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि आप ही मतलब कर रहे हैं और आप 18 साल से प्लस हैं। आपको पता ही है कि जो पैन कार्ड प्रॉपर मैच्योर वाला होता है वो पैन कार्ड 18 साल के ऊपर ही मिलता है, तो ये मैच्योर है। क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की चीज़ है, तो आपको पता ही है यहाँ पे आपको तीन चीज़ें अपने पास, तीन का दो चीज़ें रखनी है, आपको अपनी एक सेल्फी भी लेनी पड़ेगी। कंप्लीट नाउ पे आप जाओ, आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली अपनी एक सेल्फी लेके डालनी है, ठीक है। सेल्फी लेके डालने के बाद मैं एक बार आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे पास यहाँ है नहीं। सेल्फी आप लेंगे, सेल्फी के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिर आपको ये पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड में आपको ध्यान रखना है एक चीज़, पैन कार्ड में आपको एक ही तरफ की फ़ोटो देनी है। पैन कार्ड जैसे होता है ना, पैन कार्ड आपका चेहरा उस पर दिखाई दे रहा होता है, आपका फोटो होता है, नीचे सिग्नेचर होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, वो पैन कार्ड की एक ही तरफ की देनी है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप पैन कार्ड अपलोड कर दोगे पैन कार्ड में तो एक ही फ़ोटो जाएगी एक ही तरफ की, लेकिन जब बारी आएगी आधार कार्ड की, वहाँ पे तीन ऑप्शन देगा, माई ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड और या फिर एयरपोर्ट पासपोर्ट, ऐसा कुछ होगा। आपको आधार कार्ड पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आधार कार्ड की सबसे पहले तो आगे की फ़ोटो देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे की देने के बाद कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मतलब हो क्यों नहीं रही, KYC कंप्लीट क्यों नहीं हो रही। लेकिन आपको वहाँ पे पीछे की भी देनी पड़ती है, आधार कार्ड पे आगे की आपने फ़ोटो अपलोड कर दी, नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए, उसके बाद वो पीछे की आधार कार्ड के आपके पीछे की भी फ़ोटो मांगता है। तो आपको एक बार आधार कार्ड को पलट के पीछे की भी अपने आधार कार्ड की फ़ोटो दे के उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और फिर आपकी जो KYC होगी वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी अप्रूव होने के लिए। अगर आपकी सेल्फी सही है, मतलब सेल्फी आपका चेहरा दिखाई दे रहा है और आपके आधार कार्ड की फोटो मैच हो रही है, पैन कार्ड की फोटो मैच हो रही है, वो तीनों फोटो साथ में मैच हो रही है और आपकी जो ID है वो प्रॉपर मैच हो जाएगी, तो एक ही दो मिनट के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि यहाँ पे आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है और फिर आप इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए। उसके बाद कोई ब्रेकर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा उसके बाद, मतलब KYC कराने के बाद तो सब फिट हो गया। उसके बाद आपको डिपॉजिट वगैरह वो सब करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। अभी फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा और अगर आपको मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप WazirX को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं मतलब आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से, जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप WazirX डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाएं, शेयर वगैरह करके वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।